दोस्तों नमस्कार, खम्मागणी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेक योर टूर्स राघव के साथ के एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको जयपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के साथ जो मैं सफ़र कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। अभी मैं जयपुर जंक्शन पहुँच चुका हूँ। सुबह के करीब 7 बजे हैं अभी और मैं जयपुर जंक्शन आ गया हूँ अभी। और जो वंदे भारत जयपुर से दिल्ली के लिए जाती है उसका जयपुर से डिपार्चर टाइम 7:55 है, तो मैं अभी टाइम से आ गया हूँ और अभी मैं जयपुर रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ। और मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे IRCTC का एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बना हुआ है जहाँ पर जाकर आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, दोपहर में आप लंच कर सकते हैं और अगर इवनिंग टाइम में अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर डिनर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी इसकी मेंबरशिप ली हुई है जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड पर है, तो मैं भी अभी IRCTC के एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में जा रहा हूँ और सुबह का ब्रेकफास्ट आज मैं यहीं पर करता हूँ। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जहाँ पर आप जाकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप पैसे पे करके भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ को अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर ये बेनिफिट्स हैं तो आप उसके द्वारा भी इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं और मेरे 3 कार्डों पे IRCTC के लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी भी है, तो मैं उसमें से अपने SBI कार्ड को आज यहाँ पर यूज किया है मैंने और उसी के द्वारा मैं इसमें मैंने अभी एंट्री ली है। आप यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और आप यहाँ पर आकर रिफ़्रेश हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अगर कोई सफ़र में आप कहीं दूर से आते हैं तो आप यहाँ पर एक बाथ भी ले सकते हैं और आपके सोने के लिए भी अच्छी सुविधा होती है। यहाँ पर रिक्लाइनर सोफे लगे हुए हैं जहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, इडली और सांभर लिया है मैंने और सुबह छोले और पूरी की पूरी भी है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा वो लिया है। ये देखिए बिल, देखिए मेरा मात्र 2 रुपये का बिल आया है मेरा इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए। अब ये 2 रुपये इसलिए आया है मेरा क्योंकि मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड पर यह फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी बाहर आ गया हूँ IRCTC के लाउंज से और अभी ट्रेन कुछ देर में आने वाली है वंदे भारत। दोस्तों ये ट्रेन अभी कुछ दिन पहले ही शुरुआत हुई है राजस्थान में इसके लिए और यह ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में है और सुबह मॉर्निंग में ये 7:55 के आसपास जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँचती है और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होकर ये ट्रेन लगभग 11:30 का टाइम है इसका दिल्ली कैंट के लिए। तो अभी 7:33 हुए हैं और सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जिस घड़ी का मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और सभी जयपुर वासी और राजस्थान के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है अभी। और ये सामने से देखिए वंदे भारत आती हुई, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए हैं और इसके लिए सभी लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं कि वंदे भारत जयपुर रेलवे स्टेशन पर अभी आ चुकी है और बहुत सुंदर ट्रेन है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है ट्रेन। और देखिए सभी लोगों के कैमरे बाहर हैं अभी, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और इन पलों को एंजॉय कर रहे हैं, इन मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मेरी भी ट्रेन आ चुकी है, कोच C9 है, C9 में 49 नंबर मेरा सीट नंबर है। तो अभी मेरा कोच भी आ चुका है C9 और C9 के अंदर मेरा अभी मैं एंटर करूँगा। तो ये देखिए ट्रेन आकर रुक चुकी है, सभी लोग अपने अपने कोचेज की तरफ जहाँ भी उनका उनकी सीट्स है उसके अंदर जाएंगे अभी और मैं भी बाहर वेट कर रहा हूँ अभी। तो अभी ट्रेन का रुकने का वेट किया जा रहा है। फुली ऑटोमेटिक ट्रेन है, गेट अपने आप खोलते हैं, अपने आप लॉक होते हैं, तो जब भी इसमें आप ट्रैवल करें बड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का और इजीली ट्रैवल करें, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी प्रयास भी ना करें जल्दबाजी का। सभी लोग अपनी बारी बारी से अभी कोच के अंदर जा रहे हैं। अभी मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हैं इस ट्रेन के, लगेज की सुविधा कैसी है। यहाँ पे लगेज के लिए ऊपर स्पेस बना हुआ है जहाँ पर आप इजीली अपना लगेज रख सकते हैं और ये मैं भी अभी अंदर जा रहा हूँ। सभी अभी धीरे धीरे अपना लगेज की जगह रख के और ये अपने अपनी सीट्स पे जा रहे हैं। ये मेरी सीट है 49 और मेरी सीट पर अभी एक भैया बैठे हुए हैं और कई बार सीट में अदला बदली में यह प्रॉब्लम होती है कि जो हम ब्रेकफास्ट वगैरह ऑर्डर करके रखे होते हैं कई बार अपनी सीट के लिए, तो कई बार
वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई बार मुझे वेज ब्रेकफास्ट करना है और मैंने अपनी सीट पर गलती से किसी और को बैठा दिया और मैं किसी की सीट पर गलती से जाकर बैठ गया और उन्होंने नॉनवेज ऑर्डर कर रखा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपका आपने ट्रेन में अपना ब्रेकफास्ट अपना मील बुक करा रखा है तो आप अपनी ही सीट पर बैठें और इस प्रॉब्लम से बचें। तो अभी हमारी ट्रेन जयपुर जंक्शन से बिल्कुल राइट टाइम निकल चुकी है और अभी ये दिल्ली के लिए जा रही है और अभी जयपुर प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे ट्रेन अपनी स्पीड लेगी अभी। और इसकी जो अभी स्पीड है लगभग 110-112 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम, क्योंकि अभी ट्रेन को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी ट्रायल के रूप में इसको टेस्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी स्पीड को, जैसे रेलवे बोल रहा है कि इसकी स्पीड को हम 150-160 किलोमीटर पर आवर भी करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में और भी जल्दी ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी। अभी लगभग ये 3.5 घंटे का समय ले रही है दिल्ली पहुंचने के लिए। इसके पैरेलल एक ट्रेन और जाती है जयपुर से सुबह मॉर्निंग में, डबल डेकर, वो 6 बजे यहाँ से जाती है और लगभग 10:45 बजे दिल्ली कैंट पहुँच जाती है। तो लगभग दोनों के समय में ज़्यादा अंतर नहीं है। ट्रेन वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस ट्रेन में और उस ट्रेन में थोड़ा सा अंतर है। फूड क्वालिटी उसमें इसमें बहुत अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लग्जरी ट्रेन है और आपको बिल्कुल फ्लाइट वाला कंफर्ट ये फील कराएगी। लेग स्पेस बहुत अच्छा है सीटों के बीच में और आपको बिल्कुल भी कोई असुविधा नहीं होगी किसी भी सीट पर। आराम से आप बैठेंगे, आराम से आप ट्रैवल करेंगे। ये मैं भी अपनी सीट पर बैठा हुआ हूँ और साथ में मेरे भैया हैं, ये भी अपनी सीट पे हैं। और अभी हम जयपुर स्टेशन को छोड़ चुके हैं और अभी हम जयपुर से बाहर निकल गए हैं। अभी गेटो और जगतपुरा का स्टेशन हमने क्रॉस किया है। इस ट्रेन के स्टॉपेज भी ज़्यादा नहीं है। यह ट्रेन जयपुर से निकलने के बाद अलवर 2 मिनट का इसका स्टॉपिंग टाइम है, उसके बाद ये ट्रेन गुड़गांव में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और उसके बाद ये सीधा ट्रेन इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है दिल्ली कैंट, जहाँ पर ये ट्रेन जाकर रुक जाती है वहीं जाकर ये ट्रेन रुकती है। तो ज़्यादा स्टॉपेज इस ट्रेन में नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे शहर भी आते हैं इसमें, लेकिन वहाँ पे इनका स्टॉपेज नहीं दिया हुआ है। तो जयपुर से दिल्ली के बीच अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको 2 ही स्टॉपेज यहाँ पर मिलेंगे। इसमें एक अलवर आएगा और एक गुड़गांव आएगा। अभी ये कैटरिंग वाले भैया आ चुके हैं और ये सभी को पानी की बॉटल्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। इन्होंने पहले भी सभी सीट्स के ऊपर पानी की बोतल्स रख दी थी, लेकिन कुछ सीट पे या शायद ये रखना भूल गए हैं। तो जिन सीट्स पे अभी पानी की बोतल नहीं है तो उन सीट्स पे ये अभी पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके बाद ये सुबह का ब्रेकफास्ट सभी लोगों को सर्व करेंगे। ब्रेकफास्ट की सुविधा इस ट्रेन में है, जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसी के साथ आप अपना ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन आज मैं लाइव इसको देखूंगा अभी कि कैसा ब्रेकफास्ट इस ट्रेन में अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऊपर लगेज के लिए जो स्पेस बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सामान उसमें आ जाता है। मतलब आप जो भी अपना साथ लगेज लेके आ रहे हैं वो इजीली उसमें फिट हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए सामने, और ये बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है बाहर का। अभी ट्रेन धीरे 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 पहुँच रही है और ये हमारा अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में देखिए सभी चीज़ें वेल पैक होके आई हैं, जिसमें अभी मैं बताऊंगा क्या क्या हमें ब्रेकफास्ट में मिला है अभी। और ये मेरे साथ वाले पैसेंजर भैया का भी ब्रेकफास्ट उन्होंने दे दिया है। ब्रेकफास्ट देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसी क्वालिटी है, टेस्ट कैसा है इसका। तो आइए IRCTC के ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। और वंदे भारत में आज के दिन हमारा पहला ब्रेकफास्ट, मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत में। मैं जयपुर से दिल्ली के बीच में कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ बाई कार, बाई एयर और दूसरी ट्रेनें जो चलती हैं, शताब्दी है अपने यहाँ पे और डबल डेकर है, लेकिन वंदे भारत अभी कुछ दिन पहले यहाँ से शुरू हुई है। तो मुझे तो पहली बार ही मौका मिला है आज कि मैं वंदे भारत से ट्रैवल करूँ। अब ये देखिए सामने एक आलू कटलेट है, अजवाइन के पराठे हैं, मिक्स वेज है और एप्पल जूस है, मट्ठी भी दी हुई है इन्होंने खाने के लिए, और चाय और कॉफ़ी का पाउडर फॉर्म में है कि आप गर्म पानी आपको मिल जाएगा अभी और उसमें आप चाय और कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट की क्वालिटी दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है।
अब ब्रेकफास्ट को टेस्ट करके भी देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट IRCTC के लाउंज में कर लिया था, तो मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ था और ब्रेकफास्ट करने की मेरी इच्छा नहीं थी, तो सिर्फ मैंने इसको चेक किया है कि टेस्ट वाइज कैसा है, और फूड की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा चखा कि टेस्ट कैसा है, जो ब्रेकफास्ट अभी अभी हमें वंदे भारत में सर्व हो रहा है उसका, तो ब्रेकफास्ट अच्छा था और यम्मी था काफ़ी, और हेल्दी भी था, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था। तो आप भी इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप वंदे भारत में ट्रैवल करें। तो मॉर्निंग की ट्रेन है, तो आप घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आएंगे तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको ट्रेन में ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इजीली ब्रेकफास्ट कर सकते हैं ट्रेन में। और ब्रेकफास्ट करते करते ही आप अलवर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अलवर हम आ चुके हैं। बिल्कुल साउंड प्रूफ ट्रेन है, बाहर का बिल्कुल भी आपको साउंड नहीं आएगा इसके अंदर, और आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। जब ट्रेन में साउंड नहीं आता है अंदर, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं अपने सफ़र के दौरान, और हमारी जर्नी बिल्कुल ही कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाती है, तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इसको आपका इसका जो वॉशरूम बना हुआ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, और सारी चीज़ें इसमें भी दी हुई हैं जो भी फैसिलिटी होती है वॉशरूम में। बायो वॉशरूम है इसमें, बायो टॉयलेट लगा हुआ है, तो आपको कुछ भी कमोड के अंदर नहीं डालना है, तो बहुत साफ़ सुथरा है अभी तो ये। और आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेन के वॉशरूम को यूज करते हैं तो आप उसको नीट एंड क्लीन बनाए रखें, बिल्कुल हाइजीन उसका मेंटेन रखें। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें, वॉशरूम जाने के बाद फ्लश आउट ज़रूर करें, वॉशरूम में फालतू चीज़ें कमोड के अंदर ना डालें, जिससे क्या है कि ट्रेन का वॉशरूम साफ़ सुथरा बना रहेगा और पैसेंजर को भी आसानी रहेगी उसको यूज करने के लिए, और सभी को अच्छा लगेगा अगर हम अपनी ट्रेन को साफ़ सुथरा बनाए रखने में रेलवे को सहयोग करते हैं। तो भारतीय रेलवे अभी बहुत सारा चीज़ें हमारे लिए लेके आ रही है, हमें तरह तरह की ट्रेनें हमारे सामने अभी आ रही है जो कि हमारी जर्नी को और भी कंफर्टेबल फील करवा रही है हमें, तो हमें भी पूरा सहयोग करना है, हेल्प करनी है भारतीय रेलवे की, और ट्रेन को साफ़ सुथरा बनाने में हमें पूरा सहयोग करना है। तो अभी मैं वापस अपने ट्रेन में जा रहा हूँ, अपनी सीट पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी दिल्ली और जयपुर के बीच में अभी ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप बाई रोड जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, और इसके अलावा बाई एयर का भी ऑप्शन है, ट्रेनें भी बहुत सारी हैं और अच्छी अच्छी ट्रेनें जयपुर से दिल्ली के बीच में चलती हैं। लेकिन ये जो वंदे भारत अभी शुरू हुई है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ट्रेन, किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है किराए में। अभी जो जयपुर से वंदे भारत का किराया है CC क्लास में, उसका किराया 880 रुपये है, और इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, तो ज़्यादा किराया नहीं है, और ये मात्र 3.5 से 3.5 घंटे ले रही है अभी आपको दिल्ली कैंट ड्रॉप करने के लिए जयपुर से। और आने वाले टाइम में अभी बात हुई है मेरी रेलवे के GT से, तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में इसकी स्पीड को हम और भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आपकी जयपुर से दिल्ली की ट्रैवल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम अलवर पहुंचने ही वाले हैं, और अलवर से अलवर में 2 मिनट का होल्ट है इसका अभी, और ये देखिए अलवर स्टेशन आ गया है अभी, और ये अलवर स्टेशन आ गया है। अलवर मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, अलवर मेरा होम टाउन रहा है, और मेरे होम टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अलवर ही था। रिसेंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी मेरे होम टाउन को भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर माननीय अशोक गहलोत जी ने। तो अभी हम अलवर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, अलवर से मेरी भी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं, कभी मैं भी अलवर स्टडी करता था, अलवर रहता था, अलवर रह के मैंने 2 साल पढ़ाई की है अपने अपने यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखा है अलवर से, बहुत कुछ जानता हूँ अलवर के बारे में, बहुत रहा हूँ मैं यहाँ पर, और अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव और मेरे गांव के लोग अलवर रहते हैं, अलवर से इसलिए मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। अलवर की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, यहाँ के कलाकंद के स्वाद को कौन नहीं जानता, और इसके बहुत सारे आउटलेट आपको मिल जाएंगे जो अलवर के नाम से ही फेमस है कि अलवर का मिल्क केक,
तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें फेमस हैं वैसे तो, लेकिन बाबा ठाकुर दास कलाकंद की जो शॉप मेन होप सर्कस पे है, उसका कलाकंद बहुत फेमस है। और ये इजीली आपको अलवर स्टेशन पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वंदे भारत से ट्रैवल करते हैं तो आपको उसको खरीदने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि अलवर में मात्र 2 मिनट का होल्ट है। और आप भूल कर भी ये गलती ना करें कि आप स्टेशन के अंदर जाएं और आपकी ट्रेन के गेट अपने आप बंद हो जाएं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस ट्रेन में, क्योंकि इस ट्रेन के गेट ऑटोमेटिक हैं, तो आप भूल कर भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे, इसी बीच में आपके हो सकता है कि गेट बंद हो जाएं और आप अपनी जर्नी को मिस कर दें और आपकी ट्रेन वहाँ से निकल जाए। तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि 2 मिनट का टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर एक बार गेट बंद हो गए तो ट्रेन वहाँ से रवाना हो जाएगी और आप उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरी है और हमें भी पूरा सहयोग करना है इसको साफ़ सुथरी बनी रहे। हमारे नेशन का प्राइड है हमारा इंडियन रेलवे, तो हमें उसको पूरा सहयोग करना है। और अभी देखिए, हम अलवर प्लेटफॉर्म को छोड़ चुके हैं और अभी ट्रेन निकल गई है अलवर प्लेटफॉर्म से। तो अभी इसका नेक्स्ट होल्ट जो है वो गुड़गांवा है, और गुड़गांवा के बाद ये ट्रेन दिल्ली कैंटी जाकर रुकेगी। बीच में रेवाड़ी एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहाँ पर भी ये ट्रेन नहीं रुकती है। रेवाड़ी वैसे बहुत बड़ा जंक्शन है और वहाँ से आपको कई जगह की ट्रेनें मिलती हैं। वहाँ पे आकर आपको रेवाड़ी से नारनौल, रींगस, खाटू श्याम जी के लिए भी ट्रेन जो आती है वहीं से उसका रूट रूट चेंज हो जाता है। निमका थाना, सीकर के लिए भी ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं, नारनौल वगैरह के लिए भी। लेकिन रेवाड़ी में इसका स्टॉपेज नहीं रखा गया है। अब ये तो रेलवे का ही कैलकुलेशन है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया होगा। तो अभी ट्रेन देखिए पूरी स्पीड पकड़ चुकी है और अभी हम अलवर से रेवाड़ी के बीच में हैं। खैरतल थोड़ी देर में शायद आने वाला है। अभी खैरतल भी मेरा जाना पहचाना शहर है, क्योंकि मैं मेरे होम टाउन से आता था, तो खैरतल हमारे नियर अबाउट है। और खैरतल में बहुत बड़ी कृषि उपज मंडी है, जहाँ पर आसपास के किसान आकर अपनी फसलों को सोल्ड आउट करते हैं और वहाँ से चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो अभी हम ट्रेन के अंदर हैं। तो दोस्तों, जयपुर से दिल्ली के बारे में मैं बता रहा था, तो ये ट्रेन अभी शायद भारत की 15वीं वंदे भारत है, जो कि अभी चालू हो चुकी है। और राजस्थान को ये पहली वंदे भारत मिली है जो अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में ऑपरेट हो रही है। तो राजस्थान के लिए भी बहुत प्राइड का वो है समय है। अभी टाइम 10:21 हो रहे हैं और हम रेवाड़ी लगभग पहुंचने वाले हैं। सुबह 8 बजे हम दिल्ली दिल्ली के लिए निकले थे जयपुर से, और लगभग अभी 2.5 घंटे का समय हुआ है और हम रेवाड़ी लगभग पहुंच चुके हैं। तो देखिए, रेवाड़ी में वैसे स्टॉपेज नहीं है, लेकिन अभी इशू यह आ रहा है कि इस ट्रेन को क्लियरेंस कम मिल रहा है। वैसे तो इसको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस ट्रेन को, लेकिन अभी कई बार जब सामने से इसको क्लियरेंस मिलता है तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि अभी लाइन को चेक किया जा रहा है, इसकी स्पीड को चेक किया जा रहा है। तो अभी कोई रेलवे भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा कि कोई प्रॉब्लम का कारण बने और जिससे औरों को असुविधा हो। तो जब भी कोई सामने से ट्रेन को इसमें क्लियर करते हैं तो ये ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो रेवाड़ी में भी इश्यू यही आया है रेवाड़ी स्टेशन से पहले, और अभी देखिए हम रेवाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। अभी रेवाड़ी में ये ट्रेन नहीं रुकेगी। और ये देखिए, जो मैं लाइन की बात कर रहा था कि एक लाइन और जाती है रेवाड़ी से, जो नारनौल कनेक्ट हो जाती है, नारनौल नीमका थाना के लिए निकल जाती है आगे, तो वो लाइन अभी सामने से देखिए। और रेवाड़ी अच्छा जंक्शन है और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से भी ट्रैवल करते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन शायद रेलवे ने इसलिए यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दिया क्योंकि ये बिल्कुल नियर अबाउट है। और अगर नियर अबाउट हम यहाँ पे स्टॉपेज देंगे तो लोग यहाँ के लिए भी ट्रेन को बुक करेंगे, और ट्रेन को अगर बुक करेंगे तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर के लिए, अजमेर के लिए, उन लोगों को शायद सीट कन्फर्म ना मिले। तो शायद मेरा तो सोचना यही है कि इसी कारण से शायद रेवाड़ी में स्टॉपेज नहीं रखा गया है इस ट्रेन का। बाकी ये मेरा अनुमान है, मैं अपने अनुमान से बोल रहा हूँ, इसमें रेलवे का कोई वो नहीं है। रेलवे की अपनी कैलकुलेशन होती है कि कहाँ पे ट्रेन को स्टॉप करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे कितने टाइम के लिए करना है। तो अभी हम रेवाड़ी स्टॉप रेलवे स्टेशन के पास हैं, ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेगी और इसको हम क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी यहाँ के जो लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनको वंदे भारत की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर उनको वंदे भारत के की ट्रेन को एंजॉय करना है तो उनको गुड़गांवा से या फिर दिल्ली से ही इस ट्रेन को लेना होगा। तो अभी हम
रेवाड़ी हैं और अभी बस थोड़े ही समय में हम वहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली के लिए। तो अभी देखिए हमने रेवाड़ी को क्रॉस किया है और ये सामने से बगल से हमारे एक वो ट्रेन जाती हुई, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जब भी ये ट्रेन बराबर में से निकलती है तो सभी ट्रेन के लोग भी इस ट्रेन को बड़ी एक्साइटेड होकर देखते हैं। जिस भी गांव से, जिस भी स्टेशन से ये ट्रेन जाती है, लोग सेल्फी लेते हैं, लोग इसका वीडियो बनाते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, क्योंकि अभी इस रूट की ये पहली ट्रेन है और लोगों में बहुत सारा क्रेज़ है इस ट्रेन को लेके। तो सभी लोग इस ट्रेन को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। और अभी मैं तो ट्रेन के अंदर हूँ तो मुझे नहीं पता कि बाहर से जब ये ट्रेन गुजरती है तो कैसा व्यू दिखाई देता होगा, लेकिन जैसा इस ट्रेन के को देखा है अभी, जैसा इसका लुक है, जैसे इसके फीचर है, तो उम्मीद है कि बाहर से भी बहुत सुंदर दिखाई देती होगी और फील कराती होगी जैसे बुलेट ट्रेन अभी जा रही है सामने से, क्योंकि कुछ कुछ ये बुलेट ट्रेन की तरह भी शुरू वाले दिन से अभी फुल चलती होगी। तो हर जब से ओपनिंग हुई मैं 11 गाड़ी की ओपनिंग करा चुका। अच्छा, वंदे भारत मैं परमानेंट चल रहा हूँ, वंदे भारत को माता दुर्गा का नहीं करता। अच्छा, क्या है नए नए स्टाफ नए नए लड़के आते हैं, इनको बोला रहे और जैसे फ्रीजर है, इनके बटन वगैरह है ना, अच्छा लेफ्ट में ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो जानकारी नहीं मिलती। शुरू वाली कटरा वाली शुरू साथ कटरा वाली भी गए थे, कटरा वाली भी जाता है, ओपनिंग होती है तो एक आध महीने के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी कितने 14 चल रही है, अपनी 16 चल रही है, 13 14 है, 14-15 हो गया, 15 में से 11 में आप जा गए। गुड, सही है, नहीं कैटरिंग भी अच्छी है और खाना भी अच्छा, नो डाउट अच्छा है। जैसा कि अभी ट्रेन में कैटरिंग वाले भैया मिले थे, उन्होंने बताया था कि भारत में जितनी भी वंदे भारत चल रही हैं अभी, उन सभी के इनॉग्रेशन में ये गए हैं और इनका काम है कि जो ट्रेन का स्टाफ होता है उनको ये ट्रेनिंग देते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और काफ़ी सहयोग कर रहे हैं ये भी वंदे भारत के ऑपरेट करने के लिए। तो अभी हम गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं और अभी ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो हमारा दिल्ली कैंट होगा। ट्रेन की सीट के नीचे ही देखिए अपना चार्जिंग पॉइंट है। मैं जयपुर से अलवर तक चार्जिंग के बारे में सोच रहा था कि ट्रेन तो बहुत अच्छी बनाई है लेकिन इसमें चार्जिंग का पॉइंट शायद नहीं दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी सीट के नीचे ही चार्जिंग का पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप अपने लैपटॉप और अपना मोबाइल ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई चार्जिंग का इशू रहने वाला है। आपकी सीट के बिल्कुल नीचे चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। वहाँ पे आप अपना चार्जर लगा के अपनी इन चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कमी मुझे इस ट्रेन में लग रही थी वो मेरी गलती थी, लेकिन वो अभी मिल चुका है। चार्जिंग का पॉइंट हमारी सीट के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। तो अभी हम दिल्ली के पास हैं और दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास से निकलती है ट्रेन। तो देखिए आपको प्लेन भी दिखाई दिया होगा, प्लेन भी एक लैंड कर रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों जयपुर से दिल्ली के बीच में ये यात्रा बहुत ही सुविधाजनक है और आपको भी एक बार इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। मेरे को तो ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी, बहुत आरामदायक लगी, तो मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ इसमें। और आप भी इसमें एक बार ट्रैवल कीजिए और फिर अपने व्यू बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को, जितना ज़्यादा आप इसमें ट्रैवल करेंगे उतना आपको भी इसके बारे में पता चलेगा, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो अभी हम बस थोड़ी देर के बाद दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आने वाला है। ऑलमोस्ट ट्रेन गुड़गांव के पास आकर हाफ हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुड़गांव में जॉब करते हैं और वो ट्रैवल करते हैं डेली, तो गुड़गांव में ट्रेन लगभग आधी खाली हो चुकी है और अभी हम बस थोड़ी देर के बाद दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। अभी हम पालम के पास हैं और ये आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का व्यू भी दिखाई दे रहा होगा, साइड में से निकलता है बिल्कुल। तो ट्रेन में आपको यात्रा करके ट्रैवल करके बिल्कुल फ्लाइट जैसी फीलिंग आएगी, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है ये ट्रेन, सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो एक बार आप इसको यूज कीजिए और आपको दिल्ली से जो जयपुर का सफ़र है बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील होगा। जब भी आप बाई रोड आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और देखिए अभी लगभग 11:33 हुए हैं और हम दिल्ली कैंट पहुँच चुके हैं, तो आज शायद 3 मिनट लेट है ट्रेन ये,
जो इसका टाइमिंग था शायद 11:30 था, अभी 11:33 हो रहे हैं और हम लगभग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी हमने पालम स्टेशन को क्रॉस किया है और इसके नेक्स्ट स्टॉपेज दिल्ली कैंटी आएगा, तो ज़्यादा टाइमिंग का गड़बड़ नहीं है। तो अभी सभी लोग अपना अपना लगेज लेकर बिल्कुल उतरने की स्थिति में हैं और ये अभी हम दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, दिल्ली के अंदर जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्टेशन आएगा, बड़ा स्टेशन है, वो दिल्ली कैंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है दिल्ली के लिए। तो अभी हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और अभी हम सब लोग ट्रेन से बाहर आएंगे और देखते हैं यात्री। तो सभी ट्रैवलर तो बहुत खुश लग रहे हैं, सभी पैसेंजरों के चेहरे पे खुशी है और सभी अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने वंदे भारत में एटलीस्ट एक ट्रैवल कंप्लीट कर लिया है। और बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि कितने लकी लोग हैं ये लोग जो कि वंदे भारत से ट्रैवल करके आए हैं। तो लोग भी बाहर निकलने पर हमें ऐसे देख रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है, क्योंकि देखिए लोगों की चॉइस होती है कि हम भी एक अच्छी ट्रेन में यात्रा करें, ट्रैवल करें। तो मुझे तो ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी और अभी हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं, सभी लोग अपनी ट्रेन से बाहर आ रहे हैं और अभी सभी लोग ट्रेन के साथ फिर से सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ये ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है, ये है मॉडर्न भारत की तस्वीर कि जहाँ पर रेलवे को भी प्राउड फील हो रहा है और यहाँ के लोगों को भी प्राउड फील हो रहा है कि हमने एक इतनी अच्छी ट्रेन लोगों के लिए दी है जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, ट्रैवल करने के लिए काफ़ी अच्छी है, बहुत कम टाइमिंग यहाँ पे लग रहा है और लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं और ये ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है। अब यही ट्रेन शाम को वापस जाएगी अजमेर के लिए और लगभग 4:40 पर ये ट्रेन यहाँ से जाती है और फिर लगभग 10:30 से 11 के बीच में ये अजमेर पहुँच जाती है। तो अभी मैं भी ट्रेन से बाहर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ से अभी हरिद्वार जाना है। तो मैंने ये ट्रेन सिर्फ जयपुर से दिल्ली के ले ली और यहाँ से मेरा ये सफ़र इस ट्रेन के साथ यहीं पे समाप्त होता है और यहाँ से मैं आगे हरिद्वार जा रहा हूँ और हरिद्वार से हमारी ग्रुप की चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे इस व्लॉग में आपको आज जयपुर से दिल्ली का वंदे भारत के साथ सफ़र दिखाया गया। अभी मैं आज रात को हरिद्वार पहुँच जाऊँगा और कल मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं हरिद्वार के दर्शन कराऊँगा, हर की पौड़ी के, और जो भी वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको मैं नए व्लॉग में दिखाऊँगा। एक मेरे साथ के ट्रैवलर थे, वो मुझे बाय बोल रहे थे। और ये देखिए केबिन का दृश्य जहाँ से ट्रेन ऑपरेट होती है, तो लोग इसके अंदर जाने के लिए भी एक्साइटेड हैं, ड्राइवर के साहब से पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन कैसे ऑपरेट होती है और ड्राइवर साहब भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, वो लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों मेक योर टूर्स राघव के साथ आपके लिए नए नए ब्लॉग लेकर आता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना प्यार मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए नए नए ब्लॉग लाने की और नई नई जगह आपको मैं शेयर कराने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा अपना। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों आज का ये सफ़र यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग खुश रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।